मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम सबसे पहले आपको बताते हैं। सुबह 10:15 बजे ज्वेलर्स एसोसिएशन का कार्यक्रम है। प्रीमियर B2B शो के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री। साथ ही नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और सुबह 10:15 बजे यानी 10:15 पर ज्वेलर्स एसोसिएशन का कार्यक्रम है। प्रीमियर B2B शो के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे CM भजन लाल शर्मा। नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। तो सुबह 10:15 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सीतापुरा नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां ज्वेलर्स एसोसिएशन का कार्यक्रम है, वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे CM भजन लाल शर्मा। प्रीमियर B2B शो के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? ज्वेलर्स एसोसिएशन का कार्यक्रम है, मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, आज ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। B2B कार्यक्रम है ये, जो सीतापुरा के नवोदित कन्वेंशन हॉल आयोजित किया गया है। एसोसिएशन मजाला सभापति का समय आया है, ज्वेलरी के रूप में जयपुर की जो पहचान है, ज्वेलरी हाथ के रूप में जयपुर जाना जाता है। और जयपुर भी कहा जाता है हमेशा कई बार की जो पर्यटक जयपुर के तमाम पर्यटक स्थलों को देखने आते हैं, वो जो भी मजाक जरूर आता है। यहाँ की नक्काशी, यहाँ का ज्वेलर्स का हुनर अपने आप में देश दुनिया में खास पहचान रखता है। इस तरह के कार्यक्रमों का मकसद है कि उस विधा को आगे बढ़ाना, उस पहचान को और आगे देश दुनिया में कायम करना। ऐसे में इस तरह के शो के आयोजन का मकसद होता है कि अपनी ज्वेलरी, अपने विवाह, अपनी कला देश दुनिया में पहुंचे, उसको बढ़ावा मिले। जी मैम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा पहुंचेंगे, जहां मुख्य अतिथि के रूप में ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया है।